DHCP is the topic. DHCP mode means dynamic host configuration protocol. डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. अब देखो डीएचसीपी के अंदर क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड टू असाइन द आईपी पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली. ठीक है, इट ऑटोमेटिकली असाइन्स द आईपी पैरामीटर्स टू द यूजर्स. ठीक है, यूजर्स कौन है अपने कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स विल ऑटोमेटिकली विल डायनेमिकली गेट द आईपी पैरामीटर्स. नाउ व्हाट आर आईपी पैरामीटर्स. यस, आईपी पैरामीटर्स के अंदर क्या क्या चीज आ गई. आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे. What about DNS server? आया ना? देखो, what happens is in a company DNS server is usually given by the ISP. Internet service provider gives the DNS server. That who will be the, what will be the DNS server whenever you want to go out of the network, whenever you want to go to any ISP, right? But इट इज नॉट अ मेंडेशन. सी, पता क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू द इंटरनेट, आई वॉन्ट टू गो टू द पब्लिक, इन दैट केस यस इट वुड बी असाइंड बाय द डीएचसी, इट वुड बी असाइंड बाय द आईएसपी, राइट. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल नेटवर्क, सी फ्रेंड्स, इन द इंटरनल नेटवर्क अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर, राइट. रैदर देन गिविंग द आईपी एड्रेस टू एवरी डिवाइस, रैदर देन गोइंग मैन्युअली एंड गिविंग द आईपी एड्रेस टू एवरी डिवाइस, what we simply do is DHCP, right? And order DHCP server we create and server will give the IP address automatically, right? Not only IP address but all the IP parameters. Now see, DHCP works on which process? DORA process. Yes, DORA. D as in discover, O means offer, R as in request, and A would be acknowledgement. Clear? Discover, offer, request, and acknowledgement. So friends, first of all, discover. What do you mean by the word discover? Finding something, right? Okay. अब देखो दोस्त, क्या है यहाँ पर, एक कंप्यूटर है, ठीक है, और मान लो ये है DHCP server 1, DHCP server 2, DHCP server 3, right? अब discover, who will send the discover? Client. Why? He needs an IP address. देखो सीधी सी बात है यार, who is in the need? The device is in the need. The client is in the need. Yes or no? So friends, this client will send a discover message, and this discover message would be a broadcast message. Broadcast means it will be sent to D1, it will be sent to D2, and it will also go to D3. तीनों के पास जाएगा वो. ठीक है, बिकॉज इट्स अ ब्रॉडकास्ट. नाउ एक बात है, अगर ये डिवाइस एक डिस्कवर मैसेज भेज रहा है विच इज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज, सो व्हाट विल बी द पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्कवर मैसेज फ्रेंड्स. सी अगेन द सेम थिंग, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आई नीड, राइट. Source IP will be destination IP will be the, because it's a broadcast, so it will be 255.255.255.255. Source MAC address, the MAC address of the computer. Let's say the MAC address of the computer is 0A, and the
Destination MAC would be a broadcast. So it would be an layer 2 broadcast, right? इस चीज में कोई शक है? अब दोस्त सोर्स आईपी क्या होगी? अनस्पेसिफाइड ओके अपीपा. सी फ्रेंड्स, लेट मी बी वेरी क्लियर. अगर एक कंप्यूटर इज सेंडिंग द डिस्कवर मैसेज, राइट? इफ अ कंप्यूटर इज सेंडिंग द डिस्कवर मैसेज, देन द सोर्स आईपी वुड बी फ्रॉम द रेंज ऑफ अपीपा, राइट? इट कुड बी एनी आईपी फ्रॉम द रेंज ऑफ अपीपा. व्हाट इज द रेंज ऑफ अपीपा? ये पूरा नेटवर्क इज रिजर्व फॉर द अपीपा, राइट और रॉन्ग? तो दोस्त इसमें से कोई ना कोई आईपी एड्रेस इट विल टेक. एंड ऑन द अदर एंड इफ इट इज अ राउटर, राइट, एंड द राउटर इज सेंडिंग अ डिस्कवर मैसेज, देन ऑल्सो इट वुड बी अ ब्रॉडकास्ट, बट द सोर्स आईपी वुड बी 0.0.0.0. ठीक है, फॉर द कंप्यूटर द सोर्स आईपी वुड बी 0.0.0.0, बट फॉर द होस्ट, फॉर अ राउटर इट वुड बी 0.0.0.0, बट फॉर द होस्ट और फॉर अ कंप्यूटर इट वुड बी द रेंज ऑफ अपीपा. एम आई क्लियर विद दिस? ओके, नाउ दिस इज द सोर्स आईपी दैट द कंप्यूटर हैज सेंड, राइट? And this discover message will be received by everyone. Let us say that D1 is the first server who hit with a reply. ठीक है, सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि D1 ने उसको ऑफर करा है. क्या ऑफर करा होगा? एक आईपी एड्रेस. बट दिस इज द आईपी एड्रेस दैट आई हैव, दीज आर ऑल द पैरामीटर्स दैट आई एम एक्चुअली ऑफरिंग यू. क्लियर? वो उसको पहले ही ऑफर करेगा सारे के सारे आईपी पैरामीटर. दीज आर ऑल अबाउट द आईपी पैरामीटर दैट आई एम एक्चुअली ऑफरिंग यू, राइट? अब इट वुड बी अ व्हाट? इट वुड बी अ यूनिकास्ट. व्हाई इट वुड बी अ यूनिकास्ट? यस, बिकॉज फ्रेंड्स द डिवाइस नाउ नोज, डिवाइस नोज इट्स ओन आईपी एड्रेस. लेट्स से द आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस हियर ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरफेस, राइट, is let's say 10.1.1.1 source IP, destination IP, जो भी कंप्यूटर ने अपीपा का लगाया होगा वही होगा कि नहीं होगा? source MAC, इसका खुद का MAC address, DHCP server के interface का, and the destination MAC would be 0A. is that clear? this will be the message for discover and this will be the message for offer, right? now friends, again the computer will send a रिक्वेस्ट. अब ये रिक्वेस्ट क्या है कि कंप्यूटर बोल रहा है कि हाँ भाई, मुझे ये सारी चीजें जो आपने मुझे बोली है ना, ऑल द आईपी पैरामीटर्स दैट द डीएससीपी सर्वर हैज ऑफर्ड, राइट, द कंप्यूटर इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट फॉर दोज दैट प्लीज गिव मी दीज, आई एम रेडी विद दैट, आई एम गुड विद दैट. नहीं समझ आया? भाई इसने रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, इसने डिस्कवर करा कि भाई मुझे चाहिए इंटरनेट आईपी एड्रेस चाहिए, मुझे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है. अब कंप्यूटर जो डिस्कवर है, जो डीएससीपी सर्वर है, सॉरी डीएससीपी सर्वर, उसके लिए एक यूनिकास्ट ऑफर करेगा कि दिस इज द आईपी एड्रेस दैट आई हैव. लेट्स से D1 सेड D1 इज अ पूल ऑफ 10.1.1.0, ठीक है, तो सोर्स आईपी इसकी 10.1.1.1 हो गई ना, एंड उसने आईपी एड्रेस ऑफर करा है 10.1.1.2 वाला. ये इसने अपनी साइड से क्या कर दिया? उसने 3112 की आईपी एड्रेस को उसने कर दिया क्या? रिलीज. एनी इश्यूज? ठीक है. अब भाई इसने रिक्वेस्ट मारी है. भाई कोई भी आईपी एड्रेस ले सकता है, वो अपीपा की रेंज में से, अपीपा की रेंज में से वो कोई भी आईपी एड्रेस को ले सकता है.
भाई अपीपा बना इसलिए, अपीपा बना इसलिए कि ऑटोमेटिकली एक तेरे को एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ जिसने पहले रिलीज करा, रिलीज इन तीनों ने करा है, ऑफर इन तीनों ने करा है, लेकिन जिसकी रिक्वेस्ट कंप्यूटर को सबसे पहले मिली है, कंप्यूटर उसको पहले एंटरटेन करेगा। हाँ हो गया, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट अगेन वुड बी अ ब्रॉडकास्ट मैसेज। अब इस रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर द कंप्यूटर इज सेइंग दैट आई गिव मी द आईपी एड्रेस 10.1.1.2, आई एम हैप्पी विद दैट, राइट। तो यही इंफॉर्मेशन D2 के पास ही पहुंची है। अब D2 क्या सोचेगा कि भाई उसने ही द पर्सन द क्लाइंट हैज आस्क्ड फॉर 10.1.1.2 जबकि आई हैव रिलीज्ड 20.1.1.2, तो मतलब ही इज नॉट आस्किंग फॉर माय इंफॉर्मेशन, यस और नो? नाउ फ्रेंड्स द आईपी एड्रेस व्हिच वाज रिलीज्ड, दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस विल बी रिन्यूड इन इट्स डेटाबेस, कि ये वाला आईपी एड्रेस अब वो किसी और को दे सकता है, ये वाला आईपी एड्रेस एक फ्री है मेरे पास। सेम थिंग ही विल डू व्हेन द रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड, इट विल सी दैट ही इज आस्किंग फॉर 10.1.1.2 बल्कि आई हैव गिवन 30.1.1.2, यस और नो? तो मैंने 30.1.1.2 ऑफर करा, दैट मींस ही इज नॉट आस्किंग फॉर मी, सो दिस आईपी एड्रेस इज अगेन इज नॉट, नोबडी वांट्स इट, तो वो आईपी एड्रेस को वापस कर लेगा क्या? रिन्यू, क्लियर है? सर वो ब्रॉडकास्ट क्यों आया रिक्वेस्ट के अंदर? इसीलिए तो आया था कि सबको पता लगे सब तक, क्योंकि अगर वो यूनिकास्ट ही मारेगा तो D2 और D3 के पास तो वो मैसेज पहुंचेगा नहीं, तो इफ D2 एंड D3 वोंट बी एबल टू रिसीव, देन फ्रॉम देयर साइड 2112 एंड 3112 रेस्पेक्टिवली हैव बीन रिलीव्ड, हैव बीन रिलीज्ड, राइट? सो दोज आईपी एड्रेस द D2 एंड D3 वोंट बी गिवन एनीवेयर एल्स, हां है ना? इसलिए इज दैट क्लियर टू ऑल? हां भाई उसने ब्रॉडकास्ट भेजा है, अगर ब्रॉडकास्ट भेजा तो वो तो तीनों को मिलेगा ना, अगर 3 DHCP सर्वर है मेरे नेटवर्क में तो ओए ने अभी पास सेंड नहीं करा, ओए ने तो सोर्स आईपी अभी पास लगाया था, रो ऑफर मारा है D1 ने, हाँ? क्या आर कहाँ से आ गई? हाँ रिक्वेस्ट क्या? रिक्वेस्ट भाई जो तूने मेरे को आईपी एड्रेस ऑफर करा है, मैं अब उस को उसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे वो आईपी एड्रेस दे दे। ऑफर किसने करा है? हाँ तो वो उसकी रिक्वेस्ट मार रहा है कि हाँ भाई मुझे ये चीज दे दे अब। एंड द लास्ट थिंग विल बी फाइनली रिक्वेस्ट अगेन वुड बी द सेम थिंग, रिक्वेस्ट के अंदर द डिवाइस विल बी यूजिंग द सेम अबीपा आईपी एड्रेस एज अ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी वुड बी सेम, सोर्स मैक इज सेम एंड डेस्टिनेशन मैक, और नो destination IP in this case would be broadcast and destination MAC also would be broadcast because it's a broadcast message again, ठीक है? And then finally the device D1 DHCP server will give the acknowledgement which is again a unicast, और यही है वापस acknowledgement का message, this is DORA। क्योंकि अगर वो उसको एक पर्टिकुलर को लिख के भेजेगा कि डेस्टिनेशन आईपी 10.1 एंड डेस्टिनेशन मैक उसका मैक एड्रेस AB, तो फिर वो ब्रॉडकास्ट D2 और D3 को कैसे मिलेगा? हाँ के बाद जाता है, ऐसा कुछ करती है, क्योंकि बंकर करता है, फिर जब रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर से बीजी
अभी अभी मैंने वही तो आंसर दिया है, क्योंकि अगर वो डेस्टिनेशन आईपी नोन लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक नोन लगाएगा, तो फिर वो सिर्फ डी वन को ही मिलेगा। डी टू और डी थ्री को कैसे पता लग गया कि वो 10112 को मांग रहा है, 20112 या 20312 को नहीं मांग रहा। अब समझ में आया? तो फ्रेंड्स दिस इज डोरा प्रोसेस, ठीक है, इस डोरा प्रोसेस के बेसिस पर काम होता है। बट हाँ, डिवाइसेस में आप जब भी देखोगे रियल डिवाइसेस में, तो वो सोर्स आईपी हमेशा 0.0.0.0 ही लगाकर भेजेगा और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट मी कम हियर, DHCP कॉन्फ़िगरेशन। DHCP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं मान रहा हूं दिस इज R1, ठीक है। R1 इज कनेक्टेड विद अ स्विच एंड स्विच इज फर्दर कनेक्टेड विद R2, R3 एंड R4, ठीक है। R2, R3, R4 दे ऑल आई विल मेक देम बिहेव एज इफ दे आर द क्लाइंट्स, ठीक है। R1 इज द DHCP सर्वर, R1 is a DHCP server and R2, R3, R4, whether they are clients or they are router, doesn't matter. But they need an IP address from DHCP server. Is that clear? Yes, now see how it will work. First of all, friends, on this particular interface F00, I need to assign an IP address. So R1 pe I am assigning the IP address interface F00. Let us give it an IP address. IP space address space 10.1.1.1 255.0.0 or 255.255.255.0. Clear or not? Yes, sir. No shutdown, obviously, I have to give. Right? Yes. Now, friends, I'm again in the configuration mode of the router. What I want to create is DHCP pool, right? So our DHCP pool contains, I want to contain a DHCP pool. Friends, what do you mean by the word pool? Group, right? Okay, like a swimming pool. Swimming pool is a place, a small place which contains water in which we can swim. Agree or not? Small place which contains water in which we can swim. That's a swimming pool. But that's it. This DHCP pool contains IP addresses, right? Shall I write IP DHCP pool? Now friends, if it's a pool, pool shall have a name, right? That would be here, pool's name. Remember about NAT? Yes, sir. Same thing I'm doing. That was IP NAT pool and pool's name. This is IP DHCP pool and pool's name, right? Then, if I hit the enter, I will be into this config-DHCP, which means it's a DHCP configuration mode. Any issues? No. Now, first of all, I'm creating a pool which contains IP addresses, right? But which IP addresses? Network 10110. 255.255.255.0 हाँ या ना? यही नेटवर्क तो है ना उसके पास? Now see friends, whenever we assign an IP address to the computers, computers need different things. Number one, IP address. IP address ही होता है? IP address कहाँ से मिलेगा? इस पूल में से कोई भी IP address मिल जाएगा? दूसरी चीज क्या दिखाता है? Subnet mask, है ना? Subnet mask यही वाला मिलेगा? तीसरी चीज क्या दिखाता है वो? Default gateway. So friends, for these routers, that would default gateway is actually default router. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. My default router will be 10.1.1.1. Here? Because then in computers, ke liye default gateway will be 10.1.1.1. Na? Yes, sir. Wahi to kar raha hu. And then, if you want to give DNS server, DNS dash server space a.b.c.d कोई भी नाम देना चाहो। वैसे तो ये चीज किससे मिलती है हमें?
ISP से, इससे बनती है ISP. अब मैं क्या करूंगा दोस्त, आई विल हिट द एग्जिट फ्रॉम दिस एंड आई एम बैक टू द राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड, राइट. अब यार मैंने 10.1.1.0 का नेटवर्क दिया है जिसके अंदर टोटल वैलिड आईपी एड्रेसेस कितने होते हैं, 254, बिकॉज इट्स अ क्लास सी एम मेकिंग. अब आउट ऑफ दिस 254 ऑब्वियसली आई जस्ट नीड ओनली 3 आईपी एड्रेसेस हियर, राइट, बट आई डोंट नीड 254 आईपी एड्रेसेस. So if I don't need 254 IP addresses, I need to exclude some addresses or not? Yes, sir. कुछ IP addresses मुझे range से बाहर निकालने पड़ेंगे ना? Yes, sir. तो मैं क्या करूँगा, IP space DHCP space excluded dash address. Excluded address कहाँ से कहाँ तक होंगे, मान लो सबसे पहले स्टार्टिंग आईपी और उसके बाद एंडिंग आईपी. भाई मैं चाहता हूं कि सिर्फ 10.1.1.1 को अलॉट हो चुके हैं ऊपर इसी पे 00 पे, राइट. R2 विल बी हैविंग 10.1.1.2 10.1.1.3 10.1.1.4 फॉर R3 एंड R4 रेस्पेक्टिवली. एग्री, समझ में आ रहा है? यस सर. तो अब मुझे सिर्फ चार ही चाहिए ना, तो मतलब 10.1.1.5 से लेकर 254 तक सबके सब वेस्ट है. So what I'll do, 10.1.1.5 will be the starting IP address and 10.1.1.254 would be the ending IP address. समझ गए बात को? Yes sir. यहाँ पर मैं excluded address लिखा. हाँ, excluded address. तो इसके बाद तो यहाँ पर हम 5 मारेंगे ना? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, 5 से लेकर 254 तक तो बोला मैंने, और क्या बोला? Clear है बात? Yes sir. भाई मैं सिर्फ 1 से लेकर 4 तक, 4 ही आईपी एड्रेस चाहता हूँ ना, तो मतलब 5 से लेकर 254 तक सारे की सारी तो मेरे लिए वैसे ही वेस्ट है. मैं उनको वेस्ट, मैं उसको इस पूल के अंदर तो वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं उन आईपी एड्रेसेस को आई विल एक्चुअली एक्सक्लूड देम. और द अदर थिंग आई कैन डू इज, जो मैंने नेटवर्क डिफाइन कर रहा है 10.1.1.0, इस नेटवर्क को 10.1.1.0 स्पेस 255.255.255.0 इसको क्लास सी का सबनेट मास्क देने की जगह मैं सबनेट मास्क दे दूंगा कौन सा, 255.255.255.248. उसके अंदर टोटल 7 वैलिड आईपी एड्रेसेस होती है ना? भाई उसके अंदर भी तुम्हारा डिपेंड करेगा ना, देख 248 मतलब कितने वैलिड आईपी एड्रेस होंगे उसके अंदर, 6 वैलिड आईपी एड्रेस है, मुझे चाहिए सिर्फ 4, तो मैं 2 को फिर एक्सक्लूड कर दूंगा. समझे बात को? यस सर. अच्छा, अगर सर हमें 6 चाहिए, ऐसा कंडीशन 6 चाहिए और 6 तो हो गया तो ये लास्ट से कितना होगी? भाई कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, ऑब्वियसली नहीं चाहिए वो. मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे 4 चाहिए तब तो मैं एक्सक्लूड लिखूंगा, तो क्या मुझे ये चीज भी अलग से मेंशन करने की जरूरत है कि अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं ये चीज नहीं लिखूंगा? देख मेरी बात सुनो, चीजों को समझने की कोशिश करो, उस चीज का फायदा होगा कुछ सोचो. देखो पता है क्या यार, मेरा बोलने का कारण कोई ये नहीं है कि मैं आपकी बेइज्जती करना चाहता हूँ, ठीक है. मेरा बोलने का कारण बस इतना है कि जब तक हम चीज को दिमाग लगा सोचेंगे ना, देखो एक सीधी सी बात है यार, इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनीथिंग ना, एनीथिंग इट कुड बी, मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा, नेटवर्किंग है, प्रोग्रामिंग है, कुछ मर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप उस चीज को समझना चाहते हो ना अच्छे से, जस्ट ब्रॉड योर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन से आगे निकलो कि क्या हो रहा है. भाई एक महान आदमी था न्यूटन, उसने क्या सोचा था कि भाई वो पेड़ नीचे ही क्यों गिरा, वो पेड़ से वो फल नीचे ही क्यों गिरा, वो एप्पल हवा में क्यों नहीं गया, बस यही चीज उसने सोची थी ना, बस ब्रॉड योर इमेजिनेशन. कि धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है, धरती में ग्रेविटेशन फील्ड होती है ना, तो अगर वो नहीं सोचता तो कुछ होता क्या? हम लोग अभी तक सोचते रहते हैं कि भाई ये पता नहीं यार चिड़िया ऊपर से कुछ करती है, मेरे ऊपर ही क्यों गिरा होगा, ठीक है. तो मैं बस ये, मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको कोई इंफीरियर फील कराना चाहता हूँ, बस इतना है कि जरा दूसरे तरीके से चीजों को सोचा करो, ठीक है. ये कमांड लिख लो जिसे लिखनी है. देखो फ्रेंड्स, we are saying that in excluded addresses we can also put 10.1.1.1, right? See,
first thing we don't have to put. Why? Because friends, if 10.1.1.1 DHCP server will assign this IP address, let's say the IP address 10.1.1.2 is already assigned, right? Number one, DHCP server won't be assigning it anywhere. Number two, even if it is not assigned, right? And then the DHCP server क्या करेगा कि DHCP server गलती से, मान लो मैं एक DHCP server हूँ, right? गलती से I assign him the IP address 10.1.1.13 और जब इनकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई तो मैंने इनको भी दे दिया 10.1.1.13, right? तो फिर दो चीजें रिक्वेस्ट होती है ना, discover offer request acknowledgement, हाँ है ना? Discover is okay, आपने मुझे discover करा, मैंने आपको offer करी 10.1.1.13, right? तो फिर अब देखो ध्यान देना इस चीज पर, मैं 10.1.1.13 उनको पहले दे चुका हूँ, अब मैं इनको फिर से वो चीज offer कर रहा हूँ, तो simply instead of giving the request, he will send me deny, he will send me a request message के अंदर, he will send me a deny statement कि भाई ये वाली IP तो already assigned है, मैं क्यों लूँ इसको? समझे, इनको पहले ही पता लग जाएगा कि भाई वो वाली आईपी ऑलरेडी असाइंड है, तो जब ये आईपी ऑलरेडी किसी के पास है तो मैं इस आईपी को क्यों एक्सेप्ट करूं, समझे ना बात? नहीं सही, 10.1.1.13 आई हैव ऑलरेडी असाइंड टू हिम. Later on, if he comes to me and by mistake the DHCP server me, I have given the IP address 10.1.1.13, I have offered him, right? So now he has discovered me, I have offered him, right? Now he will be sending a request for that IP. In the request message, he will send me a deny statement. The devices already know that this particular IP address has been there, has been already assigned. First of all, the DHCP server will never ever do the mistake. Second thing, even if we do, then this is what will be the outcome. समझे बात को? Yes sir. सबको clear है? लिख दो उसको बात. I have given him the IP address 10.1.1.2, and then what has happened that this 10.1.1.2 he has released from his end, right? Right. So he will send a message, IP address release. DHCP will come to know that this IP address doesn't exist anymore. Like that exist means doesn't any computer do not have the IP address 10.1.1.2 that is free in the pool. I will assign it to someone else. That's it. हाँ इधर आ जाओ. R1 को I'll be creating a DHCP pool, ठीक है? अभी सी इन GNS I cannot perform the real functionalities on the switch कि मैं इन दो पर्टिकुलर पोर्ट्स को अलग अलग VLAN में, इन दो को अलग अलग VLAN में नहीं डाल सकता. देख लो जरा यार, रुको मैं देखता हूँ अगर डाल सकता. Melody 2 and 3 are in VLAN 2, or VLAN 2 ke liye network I'll be giving is 10.1.1.0, theek hai, aur iska default gateway hoga 10.1.1.1 on F0/0.2, theek hai, aur यहां पे आई विल गिव VLAN 3 2110 या येलो, VLAN 2 को 20 कर देता हूं 20, ठीक है, VLAN 3 को लेट मी गिव 30. डिफॉल्ट गेटवे इज 3111 on F0/0.3. क्लियर है? कर दो इसको. नाउ सी फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू R1 एंड डू द वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं R5 को भी राउंड कर लेता हूं, दिख रहा है ना?
गो टू आर वन, दिख रहा है ना, गो टू आर वन एंड इंटरफेस एफ जीरो जीरो, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल मोड इंटरफेस एफ जीरो जीरो नो शेड डन. नाउ इंटरफेस एफ जीरो स्लैश जीरो पॉइंट वन, सी इट विल शो यू दैट इट चेंज स्टेट टू अप. इंटरफेस एफ जीरो स्लैश जीरो पॉइंट टू, हाँ जी एफ जीरो स्लैश जीरो पॉइंट टू एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू फॉर वी लैंड नंबर टू. नाउ आई पी एड्रेस वुड बी 20.1.1.1 डन एंड ऑल्सो इंटरफेस एफ जीरो स्लैश जीरो पॉइंट थ्री एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू विद वी लैंड नंबर थ्री and IP address would be 30.1.1.1 no shutdown. To show IP interface brief, the ports are up or not? Okay, now let me create the DHCP pool here. IP DHCP pool, now it would be the pool name. Let me give the pool name VLAN 2, right? Okay, then friends, the network would be 20.1.1.0/24. देखो यहाँ पर कमांड इज आई कैन गिव स्लैश 24 वेन एवर आई वॉन्ट टू डिफाइन द सबनेट मास्क, आई कैन इजिली राइट स्लैश 24. इन डी एच सी पी कॉन्फिगरेशन इट वर्क लाइक दिस. ओके एंड देन डिफॉल्ट राउटर वुड बी 20.1.1.1.20 दोस्त, ठीक है. एंड ऑल्सो DNS server if you want to give, right? Done. Exit. Now IP DHCP pool VLAN 3 network would be 30.1.1.0/24 and default router would be 30.1.1.1 and DNS server would be, let's say, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया. Now friends, I want to exclude some IP addresses, right? First of all, do show IP DHCP pool. देख लो इसको. Show IP DHCP pool is the troubleshooting command, sir. First command. ठीक है. Show IP DHCP pool is the first command. Ready? Now see here, try to understand this thing, friends. The pool's name is VLAN 2, right? Total addresses are 254, right? Pending event are none, right? One subnet is currently in the pool. Current index is 20.1.1.1. That means the first IP address that I will be releasing would be 20.1.1.1. Right? Right? Yes, sir. And then IP address 20.1.1.1, it has ranges from 20.1.1.1 to 20.1.1.254 and leased addresses are 0 for now. Which means up till now, I don't have any IP addresses which are leased. अब देख, हाँ आप बोल. हाँ ये तो मैंने गेटवे पे दिया, देखते हैं ना क्या होगा, देखेंगे ना क्या होगा. अप टिल नाउ देर आर नन ऑफ द लीज एड्रेसेस, राइट? नन ऑफ द आईपी एड्रेस हैज बीन रिलीज्ड टिल नाउ. एनी डाउट? अभी तक ये दिखा रहा है द टोटल एड्रेस 254 है ना. आई पी डी एच सी पी एक्सक्लूडेड एड्रेसेस 10.1.1.3 से 10.1.1.254, सॉरी हाँ 20.1.1.4 से 20.1.1.254.
भाई वन तो गेटवे का है, टू और थ्री नीचे मिलेगा कंप्यूटर्स को, हाँ है ना? ठीक है, और दूसरी कमांड में लिखता हूँ दोस्त आईपी डीएचसीपी, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेसेस आर 3112 से 3112 52, तो मतलब 53 और 54 ही मिलेगा ना उसको। देखते हैं, नाउ रन दिस, डू शो आईपी डीएचसीपी पोल, सॉरी, डू शो आईपी डीएचसीपी पोल, टोटल एड्रेसेस आर 254, इट्स शोइंग। देखते हैं कौन कौन से मिलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है ना? नाउ फ्रेंड्स, दिस इज, दिस राउटर इज द डीएचसीपी सर्वर, राइट? तो लेट मी रन दिस कमांड, दिख रहा है सब? डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर इवेंट्स, डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर इवेंट्स, लेट मी राइट इट। ये कमांड है दो सर्वर के लिए, डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर इवेंट्स, एंड ऑल्सो वन मोर कमांड कुड बी डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर इवेंट्स, लिखनी थी मैंने, पैकेट, पैकेट है ये, पैकेट्स नहीं है, ठीक है? ये कमांड्स है किसके लिए? सर्वर के लिए। डन, एंड ऑल्सो डीबग डीएचसीपी वुड बी द कमांड फॉर क्लाइंट्स, डीबग डीएचसीपी, ये डीबग डीएचसीपी भी मत लिखो। चलो आगे, लिख ली? यस सर। हाँ नहीं, हाँ जी चलो आगे। डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर पैकेट, ठीक है? अब मैं सबसे पहले जाता हूं दोस्त राउटर टू के पास, इंटरफेस F00 ही कनेक्टेड है, देख लो F00 ही है ना, आईपी डू डीबग डीएचसीपी, ठीक है? मैंने डू इसलिए लगाया बिकॉज दिस कमांड यूजुअली इज फॉर द प्रिविलेज मोड, राइट? नाउ आईपी एड्रेस डीएचसीपी, लो देख लो, सॉरी क्यों डू, इंटरफेस F00 में जाओ पहले, आईपी एड्रेस डीएचसीपी, फ्रेंड्स इन हियर द इन GNS स्विच अगेन इज नॉट वर्किंग, सो आई नीड टू असाइन एवरीथिंग इन द VLAN टू, कैन आई डू दैट? आई हैव टू असाइन एवरीथिंग फॉर VLAN टू, टू अनडीबग ऑल, यहां पर इट इज जस्ट चेकिंग फॉर एक्सपायर्ड रिलीजेस, यू कैन सी दैट ऑन द सर्वर, सर्वर इज नॉट इवन रिसीविंग एनी रिक्वेस्ट मैसेज, डीएचसीपी रिक्वेस्ट, यस सॉरी डीएचसीपी डिस्कवर, इट्स नॉट इवन रिसीविंग, वेयर एज
the device is continuously trying to send the discover message, but it is not going anywhere, right? So dost, I have to go to the switch and I have to make the switch every switch port as per VLAN 1 I have to create. Port 1 is in VLAN 1, port 2 is in VLAN 1, port 3 is in VLAN 1, port 4 is in VLAN 1, port 5 is in VLAN 1. Now all the ports are in VLAN 1, right? Now let's go to R2. New show IP interface brief. Interface F00 IP address DHCP. तो क्या वही है यहाँ पे डिस्कवर मैसेज भेज रहा है, वो डिस्कवर मैसेज स्विच आके भेजेगा. तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, वो कौन लगा के भेजेगा भाई? VLAN का टैग कंप्यूटर नहीं लगाया करता, स्विच राउटर नहीं लगा रहा, VLAN का टैग स्विच लगाता है. स्विच के सारे सारे बोर्ड से VLAN बन के है सर, राउटिंग बन नहीं किया ना सर. किस पे? नीचे वाले कंप्यूटर पे, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई. नहीं मिलेगी इसको, मेरे यार यहाँ पर ये कंप्यूटर सही से काम ही नहीं कर रहा, यही इशू है. क्या सुबह फर्क नहीं पड़ेगा? सारे के सारे पोर्ट VLAN 1 को बिलोंग करते हैं, तो पोर्ट नंबर 1 को ट्रंक बनाने की जरूरत ही क्या है उसे? पैकेट ट्रेसर पे करना पड़ेगा इसको. नथिंग, पैकेट ट्रेसर पे करना पड़ेगा भाई ये प्रैक्टिकल. इससे क्या होगा भाई, मल्टी लेयर स्विच नहीं चलता ना इसमें, उसके लिए मेरे को पहले वो डालना पड़ेगा. होस्ट नेम DHCP and interface F00 no IP address and interface F0/0.2 IP address 2111, oh sorry, encapsulation .1q with VLAN number 2 and then the IP address. And then interface F0/0.3 with VLAN number 3
and IP address would be 3111. Done. Now port number 2 and 3, let me put them in VLAN number 2. F0, 2 and 3, switch port mode access, switch port will be accessing but VLAN number 2, and on 4 access and VLAN number 3, do show VLAN brief, sahi hai? Yes, sir. Port number 4 is in VLAN 3 and this F01 I'll make a trunk. ट्रंक की जरूरत यहां है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट VLANs में है तो. अब F00 पे आई हैव गिवन द आईपी एड्रेस, टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अप है F00.2 भी और F00.3 भी, राइट? नाउ one second. What did I do? Hold on. Wait, friends. I'm back to the same thing. On F00, I'm just creating this IP address 192.168.1.1. I'm not creating no VLANs here, but simply without the VLANs I'm doing. Everyone belongs to VLAN 1 by default, right? Yes, sir. Then IP address 192.168.1.1 255.255.255.0 and also no shutdown. Then IP DHCP pool network pools network 192.168.1.0/24, right? Yes, sir. And then the default router would be 192.168.1.1 and DNS server let it be. Done. You can do show IP DHCP pool. The DHCP pool exists there, the same thing? Yes, sir. Okay. Now, IP DHCP excluded addresses are 192.168.1.2 se lekar 192.168.1.251. Done. Yes, sir. Good morning. Jag jo. 254. Sab log piche mud ke dekhte ho. Ab yes. Debug IP DHCP server packet and also debug IP DHCP server events. Right. Now friends, let's go to router 3. Or where is router 2? Router 2 was showing the problem last time. Do show IP interface brief. Sorry, show IP interface brief. Nothing is there. Global mode interface F00. Did we give the no shutdown? First of all, do debug DHCP, right? And now IP address DHCP, DHCP client process is started, DHCP discover message is sent. Yes, sir. Do one debug all, right? Now you can see it from here, friends, that DHCP client process started and then shutting down from neighbor interface, okay? Discover message has been sent, sending 291 bytes length DHCP packet, 291 bytes, and from 0.0.0.0, that means the source IP was
0000 from the router, right? And then received a boot reply packet or DHCP offer received from. DHCP offer received from 192.168.1.1 and then request it is sending. Request server ID option is 192.168.1.1 and then I send the request. And finally, he will give me an IP address acknowledgement. DHCP client pooling allocated the IP address 192.168.1.252 and allocated address is 252, which is the /24. And see, if you go to the router 1, which was my DHCP server, I run the DHCP debug command here also, right? Yahan bhi chalai thi maine ye commands. To dekh lo, DHCP discover it has received. DHCP discover received from client this blah blah. हाँ है ना, और उसके बाद फिर मैं उसको वो करूँगा क्या ऑफर करूँगा एक आईपी एड्रेस. तो फाइनली आई हैव असाइंड द आईपी एड्रेस 192.168.1.252 आई हैव असाइंड टू हिम. यस ऑफर तो 1.1 के है नीचे ना फर्क है पर दिखा रहा है कहाँ सर 1.252 उसने ऑफर करा है भाई. DHCP request received from this particular, received from a client, this particular is the client, but it is not mentioned any IP addresses. DHCP address मैंने उसको भेजा 192.168.1.252 को. समझ में आई बात? तो लास्ट टाइम हमारी गलती क्या होती है पता लगी? No shut, we didn't do the no shut and we were expecting that it will get an IP address, it will never. Now see one more thing. अब जरा मैं करके देखता हूँ उसको. अब इस practical को वापस शुरू से करें एक बार वैसे ही VLANs के हिसाब से. But VLANs के हिसाब से if I will do, let's do. यार पैकेट ट्रेसर में वो चीज चले ना चले कुछ नहीं बोल सकता मैं. पैकेट ट्रेसर में डीबग कमांड से चलती है इसकी डीएचसीपी वाली, वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको सही से. चलो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द स्विच एंड लेट्स डू द सेम थिंग. पोर्ट नंबर 1 इज .1Q, पोर्ट नंबर 2 बिलोंग्स टू VLAN 2 एक्सेस, पोर्ट नंबर 3 बिलोंग्स टू VLAN 2 एक्सेस, पोर्ट नंबर 4 बिलोंग्स टू VLAN 3 access and port number 5 belongs to VLAN 3 access. Done. Go to router 1 again and create the DHCP pools. Right? Interface F00 no shutdown. F0/0.1 encapsulation .1Q with VLAN number 2 and IP address 2111 and also F0/0.2 VLAN 3 3111. अब देख लो यहाँ पर मैंने इसको गेटवे दिया है 2 की जगह 1 दिया है और इसको मैंने 3 की जगह दिया है 2. अब नेटवर्क मैंने 20 और 30 के दिए हैं, ठीक है. अब देखो लेट्स क्रिएट द DHCP पूल हियर. आईपी DHCP पूल VLAN 2 network would be 2110/24 and then default router would be 2111 and DNS leave it. IP DHCP pool VLAN 3 network would be 30
default router would be 3111. That's it. Right. Do show IP DHCP pool. वही चीजें हैं वापस. Now, what I will do is go to the devices and assign an IP addresses to them. Go to the device R2. Interface F00, no shutdown, IP address DHCP. It's been assigned 2112 via DHCP. All right, let's go to the next router R2. Interface, yes, F0/0, no shutdown, and IP address would be DHCP. Do show IP interface, please. It will take some time. Yes, 2113. Let's go to R4. Interface F00, no shutdown, IP address DHCP. Huh? 3112. Right. So that means the VLANs are getting it properly, right or wrong? And on R5 also we will get the IP address as well. Yes friends, it also has got an IP address 3113, right? That's it. Now, what do we used to do for inter VLAN routing? First of all, VLAN should be there, then it should be trunk, and then trunk encapsulation has to be performed on the router, right? So let's go to R2 and let's try to ping. First of all, the gateway. What is the gateway? It's 2111. It's done. What about 3111? It's done. Then what about 3112? It's done. It's done or not? Yes, sir. What about 3113? It's not. It will be done. अच्छा तो इसको क्या मिला था तो दोस्त यहाँ पर हमने DHCP और इंटर VLAN राउटिंग भी है परफॉर्म्ड इन द सिंपल डायग्राम और नॉट इन द सिंगल डायग्राम राइट सो आई होप वी कैन डू इट नाउ आईपी एड्रेस प्लस DHCP टुगेदर वी कैन डू इट राइट बैंग देन नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स व्हाट डू वी हैव इज What do we have next? See here. That's a switch. That's a switch. Third switch. Fourth switch. And the last switch. Right? Total, I have got 5 switches which are connected in a series this way. Any doubts? Okay. Now friends, with these 5 different switches, what do we have that I want to get the in a company? Let's say there are total 25 VLANs, right?
right? In a company, let's say they have total 25 VLANs. Now, on this particular switch, if a user of VLAN 25 is here, right? And a VLAN of 25 user is here also, right? Do you think both of them can communicate with each other? If they can, then what is the condition that they can? If they cannot, then what is the condition that they won't be able to? Same IP address, that's good. And all the ports are transports, good. Which means it should be a trunk, it should be a trunk, 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 and trunk. That's the answer that I was speaking about. Right? यही answer मैं सुनना चाहता था आप लोगों से कि भाई VLAN 25 इन सबके सब switches में होना चाहिए, है ना? अगर एक भी switch पे VLAN 25 नहीं है तो it won't be able to it will be able to receive, but after receiving it won't be able to do anything with that, right? Yes or no? Yes sir. वो चीज़ चाहिए ना? बस अब दोस्त मुद्दे की बात क्या है? Total 25 VLANs है, right? Creating a VLAN, that means VLAN space 25, enter name space sales HR whatever, right? So friends, there will be at least two commands for every VLAN, right? For 25 VLANs there will be 50 commands, right? And those 50 commands are only on the same switch number 1. वही 50 command मुझे switch 2 पे भी चलानी पड़ेगी, switch 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, हाँ के ना? Do you think it's a good option? Why not? It takes a lot of time and also manpower, right? Right? तो इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. उससे बचने के लिए फ्रेंड्स व्हाट डू वी हैव इज, कौन बोला? बिल्कुल सही बोला, VTP, कॉपी पेस्ट. क्या? कॉपी द कॉन्फ़िगरेशन. नो सर, बट कॉपिंग द कॉन्फ़िगरेशन वोंट बी अ स्मार्ट थिंग ना, राइट? इट्स अ हार्ड वर्क फॉर श्योर, बट अगेन नॉट अ स्मार्ट वर्क. सो आई विल डू VTP. VTP is VLAN trunking protocol. ठीक है, अब देखो VLAN trunking protocol से what I can do. Out of these 5 switches, किसी एक ही switch पे मैं create करूँगा 25 VLANs and rest of the switches will accept it automatically. Got it? I'm saying create VLAN on one switch and others will accept that VLAN, accept those VLANs automatically. Got it? बाकी सब VLANs, बाकी सब switches उस VLAN को अपने आप ही मान लेंगे कि हाँ भाई ये वाला VLAN exist करता है. ठीक है, अब देखो दोस्त मैंने क्या करा. Let me put it this way, एक switch पे जो मैं VLAN बनाता हूँ, हाँ ताकि तेरे सर खोलना पड़ेगा. ये देखो enable show VLAN brief. Can you see any VLAN here? Only VLAN 1 is there, right? Show flash. ये क्या दिखाता होता है? C2950, this .bin extension file, right? But friends, now do one thing. VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7200. यार इसमें देखा नहीं, इसके मान के नहीं. नहीं लेता. Okay. Do show VLAN brief.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, they exist. Do show flash. What is this? Ek nahi file add hogi na? VLAN.dat. So friends, what I want to say is that whenever we create the VLANs, right? Whenever we create VLANs, all the VLANs got saved in the flash in the VLAN.dat file, right? VLAN.dat, it means VLAN database. तो दोस्त ये vlan.dat फाइल के अंदर ये सारी की सारी फाइल अपने आप जाकर के आ जाती हैं सेव. ठीक है, अब ये चीज मैंने क्यों करी थी देखो, क्योंकि दोस्त जिस भी स्विच पे यू आर क्रिएटिंग द vlan, उस वाले स्विच पे इट विल क्रिएट अ फाइल vlan.dat और नॉट. एंड देन आई एम सेइंग कि इनमें से किसी एक ही स्विच पे मैं vlan को क्रिएट करूंगा, दैट मींस vlan.dat फाइल सिर्फ वहीं पर क्रिएट होगी ना, और बाकी स्विचेस उन सब vlans को ऑटोमेटिकली मान लेंगे, राइट? वो क्यों मान लेंगे? बिकॉज दैट पर्टिकुलर vlan.dat फाइल द डिवाइस विल सेंड इट टू एवरी स्विच. नाउ फॉर एवरी स्विच देयर इज द सेम vlan.dat फाइल, यस और नो? जो उनकी खुद की फाइल नहीं है वो फाइल उनको किसी से रिसीव हुई है, राइट? तो वो लोग भी तो यही मानेंगे ना कि भाई हाँ ये एक vlan.dat फाइल एग्जिस्ट करती है, हाँ कि ना? समझ गए इस बात को? दैट्स vlan.dat फाइल सबके पास जाएगी एंड एवरीवन विल स्टोर इट, राइट? राइट? अब देखो दोस्त, ऑलवेज रिमेंबर अ थिंग दैट वीटीपी डोमेन, वी कैन नॉट रिमूव VTP domain from a Cisco switch. एक Cisco switch पर से आप लोग VTP domain को कभी भी remove नहीं कर सकते, चाहे कुछ मर्जी कर लो, ठीक है? But what you can do is, although we can change the domain name. We can change the domain name. ठीक है, अब देखो दोस्त एक गजब की बात है. सर एक डोमेन नेम होता है, वीटीपी डोमेन को हम एक नाम देते हैं, हम नाम में बता रहा हूं. रुको, बाय डिफॉल्ट एवरी डिवाइस इज हैज इज इन वीटीपी, राइट? बाय डिफॉल्ट वीटीपी इज एनेबल्ड ऑन एवरी सिस्को स्विच, राइट? राइट? और वो VTP जो सारे के सारे डिवाइसेस पे enabled है, नंबर वन तो रिक्वायरमेंट फॉर VTP डोमेन सक्सेसफुली VTP डोमेन इज रनिंग, द रिक्वायरमेंट इज अ ट्रंक पोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? इफ देर इज अ ट्रंक देन डेफिनेटली इट विल वर्क, एग्री और नॉट भाई? क्योंकि अगर ट्रंक होगी तभी तो वो अपनी इंफॉर्मेशन बाकी स्विचेस को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसीलिए. अब देखो दोस्त, इस स्विच पे हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट सभी के सभी स्विचेस VTP डोमेन में होते हैं, है ना? Yes. देखो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, शो VTP स्टेटस. क्या दिखा रहा है ये? VTP डोमेन नेम क्या है? कुछ नहीं, दैट मीन्स इट्स अ नल, राइट? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स इट्स नेम इज नल. सो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे स्विचेस किस में होते हैं? नल डोमेन में. ये भी किस में है दोस्त? नल डोमेन में. ये भी है नल डोमेन में, नल डोमेन में और नल डोमेन में, ठीक है? अब क्या होगा अगर इस स्विच पे मैनुअली जाकर मैं लिखता हूं VTP डोमेन नेम सिस्को, राइट? कोई भी डोमेन नेम हो सकता है, सिस्को या आपका नाम या मेरा नाम, कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है? तो हम मैंने लिखा यहां पर VTP डोमेन नेम सिस्को. तो फ्रेंड्स जैसे ही ये वाले स्विच को मैं VTP डोमेन नेम सिस्को के अंदर डालूंगा ना, तो व्हाट दिस स्विच विल डू, दिस स्विच विल एडवर्टाइज इटसेल्फ टू द अदर स्विच, राइट? अगर ये ट्रंक है तभी एडवर्टाइज कर पाएगा, याद रखना इस चीज को हमेशा, ठीक है? अगर ये ट्रंक है तभी वो एडवर्टाइज करा पाएगा, एल्स इट वोंट बी एबल टू एडवर्टाइज विदाउट अ ट्रंक. नाउ
this domain Cisco will reach to the other switch, switch number 2. Friends, if the domain name is null, this Cisco, I have changed it manually, right? But the other switch which has received an update from any other domain name rather than null, right? If it receives an update from any other domain name rather than the name null, ठीक है? Null के अलावा कोई भी दूसरे domain name से अगर वो information को receive करता है, तो it will automatically convert into the Cisco and that will be automatically. And it will advertise it further and he will also convert itself from null to Cisco and that also automatically. From null to Cisco, automatically. From null to Cisco, automatically. Any issues with that? Automatically ही इसका नाम null से Cisco में convert हो चुका है. Is that clear? अब अगर मैं इस switch पर जाकर इसका नाम change कर देता हूँ, Cisco की जगह network bulls कर देता हूँ, ठीक है? तो एक सीधी सी बात दोस्त, अब ये switch number 1 will not be participating in this domain name, right? In the domain name Cisco, this particular switch 1 will not be able to advertise because switch 1 belongs to now network bulls department, network bulls domain name, right? That's, this is what I said. Yeah, I can change the domain name, but I cannot change the, but I cannot remove the VTP from a switch, from a Cisco switch. Is that clear? उसके बाद अगर आप चाहते हो कि सारे switches के ऊपर network bulls domain चले, तो आपको सारे switches पे जाकर manually लिखना पड़ेगा कि VTP mode, VTP domain Cisco या VTP domain NB network bulls, VTP domain network bulls, VTP domain network bulls, network bulls. सर logically तो domain अलग ही हो जाएगा ना, भले Cisco उधर दे देता है, Cisco इधर दे देता है, तो name ही हो गया. तो भाई नेम ही तो मैच होता है. अगर वो नेम सेम है, नेम के अंदर भी तूने सिस्को में आई पूरा आई स्मॉल में लिख दिया और दूसरे में तूने कैपिटल लिख रखा है, तो दोनों का डोमेन नेम अलग है, क्योंकि वर्ड ये आप और मैं डिफाइन कर रहे हैं, ये कोई उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है. दीज वर्ड्स आर गेटिंग डिफाइंड बाय यू एंड मी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट डिफाइनिंग दिस दोस वर्ड्स. गॉट इट और नॉट? ये होता है. अब देखो एक और चीज कि भाई बाय डिफॉल्ट ना सारे के सारे स्विचेस पे एक चीज होती है दोस्त, सीआर नंबर. सीआर नंबर दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर. व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर? इट कीप्स ऑन इंक्रीमेंटिंग बाय वन व्हेनेवर there is a change, whenever there is a change made on the VLAN, whenever there is a change made in the VLAN, sorry, whenever there is a change made in the VLAN, right? Changes could be कि मैंने नया VLAN create करा है, मैंने VLAN किसी को डिलीट करा है, मैंने कोई पर्टिकुलर VLAN को मॉडिफाई करा है, एनीथिंग इट कुड बी, राइट? राइट? अब देखो, अगर मैंने क्रिएट करा बाय डिफॉल्ट रिवीजन नंबर इज जीरो, ठीक है, बट एज सून एज आई क्रिएट अ डोमेन नेम रिवीजन नंबर विल बिकम वन. डोमेन नेम सिस्को डालते ही उसका रिवीजन नंबर कितना हो गया? वन. अब देखो, I create VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 and VLAN 5. तो मैंने चार changes करे हैं. मैंने बस ये लिखा है कि VLAN 2 enter, VLAN 3 enter, VLAN 4 enter, VLAN 5 enter. Four changes I did it, right? So friends, if I do the four changes, then revision number will be increased by 4, which means 1 plus 4 equal to 5. 5 is the revision number now, ठीक है? ठीक है? कोई शक है इसमें अभी तक? आप देखो. इस पर्टिकुलर स्विच पे मैंने रिवीजन नंबर 5 कर दिया, है ना? सीधी सी बात है, याद रखना इस चीज को. व्हाई डू वी नीड अ वीडीपी डोमेन? ताकि एक स्विच पे आई हैव क्रिएटेड द वीलैंस एंड द अदर स्विचेस विल कम टू नो अबाउट दैट ऑटोमेटिकली. एग्री और नॉट? इसीलिए करा है ना. बस अगर मैंने ये चीज इसीलिए करी है
तो फिर दोस्त इस पर्टिकुलर स्विच पे अगर मैंने VLAN के अंदर चेंजेस करे हैं राइट, तो ऑब्वियसली इट्स रिवीजन नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड और नॉट. नाउ वंस इट्स रिवीजन नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड दैट मींस देयर इज अ न्यू अपडेट इन द VLAN डेटाबेस, देयर इज अ चेंज राइट. सो दैट पर्टिकुलर चेंज आई विल गिव टू हिम राइट. एंड नाउ दिस पर्टिकुलर स्विच, स्विच नंबर 1, दिस पर्टिकुलर स्विच अर्लियर इट वॉज रनिंग अ रिविजन नंबर 1 राइट. अब उसको अपडेट रिसीव हुई है फ्रॉम अ हायर रिविजन नंबर विच इज रिविजन नंबर 5 राइट. तो व्हाट द स्विच विल डू, स्विच विल एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन राइट. अगर वो रिविजन नंबर चेंज होकर मुझे रिसीव हुआ है, इंक्रीज रिविजन नंबर मेरा चेंज है मतलब इंक्रीज है, तो ऑब्वियसली VLAN डेटाबेस के अंदर चेंज है ना, है ना, तो मतलब मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है. तो पुरानी इंफॉर्मेशन की देगा मैं, अब नई इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगा कि नहीं. That's it. This is what switch 2 will give to switch 3 and switch 3 will give it to 4 and 4 will give it to 5. Samajh aaya revision number ka funda? Yes sir. Pakka? Yes sir. Kisi ko doubt? Revision number keeps on increasing with changes in the VLAN. Jaise jaise aap VLAN ke andar changes karoge, revision number increase hoga. Right? Aur revision number increase hone ka main basic motto kya hai? Ki once if the revision number is increased, that means I will advertise my information. Right, and if you had received the information with a higher revision number, that means it is the new information for you. It is a new update for you. It is a new update for you. And obviously, it's always better to keep the new information rather than the previous one. But अभी तक आप लोग ये तो नहीं बोलोगे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी है या मनमोहन सिंह है, तब का चेंज हो गया यार, मोदी है, हाँ है ना, बस नई इंफॉर्मेशन रखना पसंद करोगे ना, वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा. कोई शक इसमें? तो अब VTP की रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1 ट्रंक होना चाहिए, नंबर 2 VTP डोमेन नेम सेम होना चाहिए, नंबर 3 दोस्त पासवर्ड. अगर आपने VTP पासवर्ड लगा रखा है तो वो सेम होना चाहिए सारे स्विचेस पे, अगर लगा रखा है तो. हालांकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है, बट इफ यू हैव अप्लाइड द पासवर्ड शैल बी सेम ऑन एवरी स्विच इन द सेम डोमेन. क्लियर और नॉट क्लियर? Any doubts? Sure? No. Friends, all that we have is, we are clear with the VTP, what is the VTP? Right? We are clear with the... हाँ, एक बात और याद रखना, अगर दो switches के बीच में, switch 1 और switch 2 के बीच में, switch 1 और switch 2 के बीच में, if on both the switches different VTP domains are running, then a successful trunk cannot be established between them. इसके ऊपर चल रहा है डोमेन नेम नेटवर्क बुल और स्विच 2 पे चल रहा है डोमेन नेम सिस्को, तो फिर दीज टू स्विचेस वोंट बी एबल टू नेगोशिएट द ट्रंकिंग एफिशिएंटली, एंड एफिशिएंट ट्रंक कैन नॉट बी मेड. सिंपल. हाँ Cisco, Cisco, network bulls, Cisco, Cisco, right? Yes. Then this network bulls are, then Cisco and Cisco are different. This network bulls is alone and this Cisco and Cisco won't be able to communicate with this Cisco. क्योंकि उनके बीच में कुछ और है. यार एक बात है, देख, आपको भी हिंदी बोलनी आती है, आपको भी हिंदी बोलनी आती है, मेरे को भी आती है और इसको भी आती है, लेकिन बीच में जो बंदे बैठे हैं वो जापानी बोलते हैं. अब भाई ना तो मेरी हिंदी को जापानी को, मेरी हिंदी को जापानी में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे राइट. मतलब मेरी बात तो आप तक वैसे भी नहीं पहुंचेगी बिकॉज बीच में जापानी बैठे हैं. सही बात है. अब दोस्त इसके अंदर ना तीन डिफरेंट डिफरेंट जापानी बैठा है ये बोल दो. अब दोस्त इसके अंदर ना तीन डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं अपने पास, ठीक है, ठीक है. VTP मोड्स कौन कौन से होते हैं? VTP मोड सर्वर, VTP मोड ट्रांसपेरेंट, VTP मोड क्लाइंट. जो सर्वर होता है, आई कैन क्रिएट डिलीट एंड मॉडिफाई द VLANs ऑन अ सर्वर, ठीक है. क्लाइंट पे आई कैन नॉट रिसीव, आई कैन नॉट डिलीट मॉडिफाई और इरेज द VLANs, ठीक है. मैं मतलब VLAN ना तो क्रिएट कर सकता हूँ, ना मॉडिफाई कर सकता हूँ, ना ही डिलीट कर सकता हूँ क्लाइंट पे, लेकिन मैं वो करूँगा किस पे? सर्वर पे. और ट्रांसपेरेंट, इट डजंट इवन पार्टिसिपेट इन VTP डोमेन. हाँ, बस जो इन्फॉर्मेशन मिली है
उसको आगे रिले 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 करता रहेगा, लेकिन अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा. दैट्स इट फॉर द डे.